जावेद अख्तर के मानहानि के इस मामले में कंगना रनौत को लगा बड़ा झटका। केस को ट्रांसफर करवाने की अर्जी हुई खारिज। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं। जावेद अख्तर और कंगना रनौत का विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जावेद अख्तर कंगना रनौत पर मानहानि का केस दर्ज कर चुके हैं। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो इस केस को कंगना रनौत ने किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की एक याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कंगना रनौत के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें जावेद अख्तर की आपराधिक शिकायत को प्रेजुडिस के आधार पर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। दायर याचिका में कंगना ने कहा था कि उनका इस मामले में सुनवाई कर रही अदालत से विश्वास उठ गया है, क्योंकि जब वो जमानती अपराध के मामले में पेश नहीं हो पाई थी तो उन्हें वारंट जारी कर धमकाया गया था। याद दिला दे कि इससे पहले इस केस की सुनवाई 20 सितंबर को हुई थी, तब कंगना रनौत ने कू ऐप पर जावेद अख्तर पर निशाना साधा था। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा था, आज उस केस की सुनवाई थी जो जावेद अख्तर ने शिवसेना के दबाव में आकर मेरे खिलाफ दायर किया था। इसके साथ ही कंगना ने आगे खुद को एक योद्धा बताया था, जो जोरदार स्टाइल के साथ पूरी सेना से टक्कर ले रही हैं। बताते चले कि जावेद अख्तर ने पिछले साल नवंबर में अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कंगना ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था, जिससे कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। यानी इस केस में अभी कंगना रनौत को कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि मुश्किलें उनके लिए बढ़ती ही जा रही है। इस केस में जो भी डेवलपमेंट होंगे, इसकी जानकारी हम आपको हमारे चैनल पर देते रहेंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमें फॉलो करना है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर।